गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी मैं दोपहर से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी दोपहर का 1 बज रहा है और जस्ट अभी मैंने खाना खाया है। मैंने सोचा अभी मैं फाइनली कैमरा सेट कर लेती हूँ और आप लोग से कर लेती हूँ थोड़ी सी बातें। आज खाने बनाया था हमने कद्दू की सब्जी, लौकी की सब्जी और प्लस पनीर की सब्जी, तो वो हमने खाया है थोड़ा थोड़ा करके। तो मेरे को कद्दू की सब्जी, वो जो खट्टी खट्टी वाली होती है ना, वो ज्यादा पसंद नहीं। मुझे थोड़ी मीठी वाली सब्जी पसंद है, तो आप उसमें गुड़ ऐड कर सकते हैं या फिर वो आम आता है ना खट्टा वाला, उसको भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने ना आज हेयर वॉश करे हुए थे, तो देखो कितना कर्ली कर्ली से हेयर्स लग रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने ये लगा कर रखा था। इसको क्या बोलते हैं, क्लिप को, बनाना क्लिप, पर ये छोटा वाला बनाना क्लिप है वो। और आज मैंने पहना हुआ है पिंक कलर का टॉप, उसी के साथ मैंने पहनी हुई है लॉन्ग स्कर्ट। मतलब मैंने ना दबा लिया है इस टॉप के अंदर से, कहाँ जा रही हूँ मैं। ये देखो जिस तरीके से अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत कभी कभार चेंज भी करते रहना चाहिए। मैं इसमें आधी आधी नजर आ रही थी, ये देखो अभी रहा फुल लुक, अच्छा लग रहा है ना। क्या यार देखो, सिंपल सा लोअर टी शर्ट बस जस्ट डाल लो और कुछ नहीं, तो ये अच्छा लग रहा है। वैसे ही मैं आपको बता दूं, मेरे पास 5-7 लॉन्ग स्कर्ट पड़ी हुई है जिसमें से कोई भी यूज में नहीं आती, इसी को पहन लेती हूँ। एक ब्लू वाली है, वो भी मैंने 1-2 बार ही पहनी है। उसके बाद में एक और ब्लू है, डार्क ब्लू और रेड कलर की, जो कि आज तक पहनी नहीं है, क्योंकि वो एकदम मतलब एक फिटिंग की आती है। उसके साथ में आपको टॉप भी मैचिंग का चाहिए, अगर एकदम मैच का नहीं मुझे मिला तो मैं पहनूंगी भी नहीं, तो इसलिए मैं इसको पहन लेती हूँ। मेरे को अच्छी लगती है, ढीली डाली सी है देखो। तो यहाँ पर ये घर पर आए हुए थे आफ्टरनून के टाइम पर, क्योंकि इनको गाड़ी ना सर्विसिंग के लिए देनी हुई थी, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह और सैनिटाइजर वगैरह रखा हुआ था मैं, तो वही ये अपने कुछ पेपर्स वगैरह कलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि अब इसके बाद में ऑफिस निकल जाएंगे। आज मेरा मन ना बड़ा ज़्यादा खराब हो रहा था गाइस, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने आपका वो क्लिप शेयर भी नहीं करी है आज, मुझे मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था और मैं रो भी दी थी। तो कभी कभार ऐसा बुरा लगने लगता है ना यार, और यहाँ पर मैं देखो इनको परफ्यूम लगा रही हूँ, तो ये बोल रहे बस बस अब ज्यादा मत लगाओ, क्योंकि इसकी काफी ज्यादा हार्ड स्मेल, और अभी ये जा रहे हैं ऑफिस। प्राडो क्या कर रहे हो, देखो गाइस प्राडो क्या कर रहा है। गुड इवनिंग गाइस, अभी शाम का टाइम हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया कुछ भी, दिन भर से मैंने शूट नहीं करा, थोड़ा सा कुछ काम में बिजी थी। उसके अलावा देखो मेरे हेयर्स, मेरा क्लचर टूट गया अभी, तो जस्ट मैंने कहा कि फोन उठा लेती हूँ, कैमरा शुरू कर देती हूँ, मतलब ब्लॉगिंग शुरू कर देती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ फोन ही बना लूँ, अच्छी सी बढ़िया सी है ना। चलो चलते हैं बाहर रूम से और देखते हैं क्या हो रहा है, माँ क्या कर रही है। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और ये आ गए हैं ऑफिस से। अब इनको मेरे को कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह देना होगा, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इनके लिए आज ऑमलेट बना देती हूँ। तो वही मैं 4 एग का ऑमलेट बना रही हूँ और आप देखते जाइएगा मैं किस तरीके से बनाती हूँ, क्या क्या चीज़ें डालती हूँ। बहुत ही सिंपल बनाती हूँ बट अच्छा लगता है। तो वैसे मुझे एग वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है बट ये खाते हैं। तो मैं ना अनियन और ग्रीन चिली अच्छी तरीके से कट करके छोटा छोटा रख लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा गर्म मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट डाल लीजिए आप, और उसके बाद में आप थोड़ी सी रेड चिली डाल लीजिए बस, और कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और अच्छी तरीके से आप उसको मिक्स कर लीजिए, पूरा बैटर अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। और फिर दूसरी साइड में आपका जो पैन में बना रहे हैं, तवे में बना रहे हैं, उस पर हल्का सा घी लगा लीजिए, और थोड़ा सा मैं इसमें देखिए धनिया पत्ता डाल दूँ, जैसे धनिया पत्ता वगैरह डालना ना टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो चलिए अब हम बनाते हैं। तो हमने जो पूरा बैटर है एग का, वो हमने डाल दिया था पूरे पैन में, और उसके बाद में मैं यहाँ पर ब्रेड डाल रही हूँ। इसको मैं दोनों साइड से ही पलट दूँगी, जिससे कि अच्छे तरीके से इसमें लग जाएगा ये जो बैटर है, और इसको थोड़ी देर के लिए हम पकने देंगे, फिर इसको हम पलट देंगे और इसको हम फिर सर्व करेंगे। और साइड में मैं बना रही हूँ अपने फादर इन लॉ के लिए और माँ के लिए चाय। तो चलो लगे हाथ हम डिनर भी बना ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ तहरी, तो मैंने आलू प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें कट करके रख लेते हैं। यहाँ पर मैं पुलाव का मसाला डाल दूँ, जो कि मैंने अलग से सारा इकट्ठा करके एक बाउल में निकाल कर रख लिया था। हमारा मसाला पक जाएगा तो हम इसमें राइस डाल देंगे। अभी हमने छोटे छोटे सारा टमाटर कट करके रखा है, तो एक बाउल टमाटर डाल देंगे। इसमें मैं थोड़ा सा दही डाल के बना रही हूँ, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए गाइस मैं बना लेती हूँ, उसके बाद ही मिलती हूँ आपसे। मैं जस्ट अभी अभी अपने रूम में आई हूँ और मैंने अपना सारा काम फिनिश कर दिया, तहरी भी बना दिया। सबका मन कर रहा था तहरी खाने का, बाकी जो मेरे देवर जी हैं वो वेज रोल लेके आए थे तो उन्होंने वो खा लिया है, बाकी माँ और पापा और मैं ये खाएंगे। इन्होंने ऑमलेट खा लिया, सिस्टर इन लॉ ने भी रोल खाया है। तो यस गाइस, और अभी हम जाएंगे वॉक करने के लिए नीचे, तो गार्डन में वॉक करेंगे। अगर जाएंगे तो आप लोग भी साथ जरूर लेकर जाएंगे। आज का व्लॉग पता नहीं कैसा बना होगा, मतलब दिन भर से मैंने कुछ शूट कर नहीं करा था, दोपहर के टाइम पे ब्लॉग स्टार्ट करता, अभी शाम के टाइम, अभी शाम के आई थिंक
साथ नहीं 8:30 का टाइम हो रहा होगा, सब लोग हॉल में बैठकर टीवी देख रहे हैं। मैं सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा कैमरा उठा लेती हूँ, बात के लिए मैंने कुकिंग थोड़ी सी दिखा दिया, जितना पॉसिबल हो पाता है ना उतनी दिखा पाती हूँ। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से जाओ शिवी लाइफ स्टाइल सर्च करो, फॉलो करो। अगर दूसरे चैनल के बारे में नहीं जानते हो तो जल्दी से जाओ ब्यूटी शैडो शिवी सर्च करो और सब्सक्राइब करो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ मामा अर्थ का विटामिन सी फेस वॉश विद विटामिन सी एंड टर्मरिक फॉर स्किन इल्यूमिनेटिंग। गाइस ये पैराबेंस फ्री है, SLS फ्री है एंड डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है दोस्तों। सूट्स ऑल टाइप स्किन के लिए है। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स प्रमोट्स इवन टोन स्किन, फाइट्स फ्री रेडिकल डैमेज, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड, पीएच बैलेंस फ्री। जिसके जो की इंग्रेडिएंट्स है इसमें है एक्वा सोडियम, ग्लिसरीन, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, कैस्टर ऑयल, लेमन ऑयल, साथ ही साथ इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, लीफ एक्सट्रैक्ट है, नीम है। इट्स अ टॉक्सिन फ्री ब्रांड एंड नेचुरल। गाइस ये जो मामा अर्थ का प्रोडक्ट है ये इंडियन ब्रांड है इसलिए हम इसको सपोर्ट करते हैं। एंड सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि जितना ये प्लास्टिक यूज करते हैं उससे भी ज्यादा ये रिसाइकिल करते हैं। ये जो कोड आपको स्क्रीन पर दिख रहा है शिवी 2021, इससे आपको 20% का ऑफ मिलेगा अगर आप मामा अर्थ की वेबसाइट से कुछ भी परचेज करते हैं या फिर आप यही प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो। एंड मैं आपको बता दूं दोस्तों ये मामा अर्थ अमेजोन, नायका और पॉपल में भी अवेलेबल है फ्री ऑफ SLS सल्फेस। इनके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 249 रुपीज। दोस्तों इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग चेक जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है क्यूएल्टी फ्री है। उसके बाद में है ये मामा अर्थ का विटामिन सी फेस मास्क जो कि है विटामिन सी कैलोइन क्ले फॉर स्किन इल्यूमिनेटिंग। गाइस ये भी पैराबेंस फ्री है, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, सिलिकॉन फ्री है विथ बायो एक्टिविटी। एंड दोस्तों ये जो फेस मास्क है काफी अच्छा फेस मास्क है, हर टाइप की स्किन के लोगों को ये सूट करता है। आपको एक ये स्पैचुला मिल जाता है जिससे आप अपने फेस पैक को अपने फेस पर अप्लाई करते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इन दोनों ही चीजों को अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ और आप लोगों के सामने दिखाती हूँ। इन दोनों ही चीज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो एक बार चेक जरूर करिएगा, काफी अच्छे हैं मामा अर्थ के प्रोडक्ट। अगेन मैं बोल रही हूँ जितना ये प्लास्टिक यूज करते हैं उससे ज्यादा ये रिसाइकिल करते हैं। तो आपको जस्ट थोड़ा सा अमाउंट में ही प्रोडक्ट को लेना है और अच्छी तरीके से अपने फेस को थोड़ा सा वेट कर लेना है एंड अच्छी तरीके से अपने फेस पर अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से मसाज करनी है सर्कुलर मोशन में एंड फोरहेड, नोज एंड चिन पर आपको अच्छी तरीके से मसाज करनी है। और गाइस अपना फेस को वॉश कर लीजिए और क्लीन कर लीजिए, देखिए कितना ज़्यादा क्लीन हो गया है मेरा फेस। उसके बाद मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ ये फेस मास्क जो कि मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छा फेस मास्क है दोस्तों, मुझे काफ़ी पसंद आई है। ये भी सल्फेट फ्री है और इसको 15 मिनट के लिए लगाए रहिए एंड जब भी ड्राई हो जाए तो इसको आप ल्यूक वार्म वाटर से आप इसको क्लीन कर लीजिए और वीक में एक दो बार आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। गाइज आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ज्यादा सॉफ्ट, क्लियर एंड ब्राइटिंग लग रही है, मुझे हद से ज्यादा पसंद आया दोस्तों। तो हमारा डिनर रेडी है, तो डिनर टाइम कर्ड के साथ में राइस और साथ ही साथ में कुकम्बर। बैकग्राउंड में दादी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो दादी माँ भी खाना खा रही हैं। मैं उन्होंने खाना खा लिया है, वो अपनी मेडिसिन ले रही हैं। आप देखो फाइटिंग चल रही है। ये टाडो टाडो आया है गाइस वॉक करने के लिए नीचे हमारे साथ में। कहाँ जा रहे हो? आ जाओ इधर आओ। थानोस कहाँ है, तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा भाई थानोस? गाइस मैं आई हूँ अभी नीचे अपने ग्राउंड में वॉक करने के लिए, हमारे सारे डॉगीज भी यहीं पर हैं तो हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। थोड़ा सा खाना खाया, वॉक करना ज्यादा जरूरी होता है। क्या चंपी हो रही है प्राडो की हेड मसाज? भाग लिया उसने कुछ ज्यादा ही। प्राडो आओ जल्दी, आओ जल्दी जल्दी से जल्दी से। मेरे साथ में ना माँ भी हैं, ये भी हैं और हमारे डॉगीज भी हैं तीनों चारों, तो हम सब लोग एक ही साथ वॉक करने हैं। तो अभी रात काफी ज्यादा हो गई है। तो गाइज अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट गाइज। और कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट सजेशन हो कॉमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करना।